बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर नोखा के पांचों में एसीबी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पांच जीएसएस पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। किसानों से 45,000 रुपए लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भवरिया इंफ्रा फर्म के दो लोगों को ट्रैप किया गया है। सुरेश कुमार और रोहिताश मीणा, इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बिजली कनेक्शन के एवज में घूस की डिमांड की गई थी। तो एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीकानेर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बिजली बिल को पास करने के एवज में घूस की डिमांड की गई थी, और इसी को लेकर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो आरोपियों सुरेश और रोहिताश व मीणा दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक और कार्रवाई एसीबी की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा। जी, बीकानेर एसीबी के एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के नेतृत्व में रोहिताश श्रवण बिश्नोई जो सीआई है, उन्होंने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीकानेर के पांचों जो जीएसएस है, वहां पर दो कर्मचारियों को, जो कि एक निजी फर्म के ठेकेदार थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 45,000 रुपए की जो घूस की राशि है वो भी बरामद की गई है। दरअसल में एक पीड़ित था, उसने एसीबी में परिवाद दिया था कि उसने किसान कनेक्शन, कृषि कनेक्शन मांगा है, लेकिन एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने के एवज में उससे घूस की राशि जो है वो मांगी जा रही है। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए और बिजली की लाइन डालने के लिए उससे घूस की राशि मांगी गई थी, जिसके बाद में एसीबी ने इस पूरे घटना का सत्यापन करवाया। और सत्यापन करवाने के बाद में जो भंवरिया कंस्ट्रक्शन फर्म है, इसके जो निजी कर्मचारी हैं, इस ठेकेदार जो फर्म है, इसके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। श्रवण इनका नाम है, जो सुरेश कुमार और रोहिताश मीणा है, इन दोनों को एसीबी ने ट्रैप किया है। इनके कब्जे से 45,000 की राशि है जो बरामद कर ली गई है। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरफ जिस तरफ से सरकार जो है वो लगातार कृषि कनेक्शनों की बात करती आ रही है, वहीं पर एक निजी फर्म के ठेकेदारों की ओर से इस तरह की घूस राशि वसूल करना, वो भी किसानों से, ये एक बड़ी कार्रवाई जो है एसीबी की ओर से की गई है। जी बिल्कुल मनीष, एक बड़ी कार्रवाई। और क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है, और कहाँ कहाँ पर एसीबी की टीम इस वक्त मौजूद है मनीष? जी, फिलहाल एसीबी की जो टीम है वो जीएसएस डिस्कॉम से इन दोनों आरोपियों को ट्रैप किया था, और इनको ट्रैप करने के बाद से ही जो जीएसएस है वहां पर हड़कंप मच गया था। डिस्कॉम के जितने भी बिजली के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनमें काफी हड़कंप मच गया था, और वो मौके से एक तरह से कन्नी काटते हुए नजर आए थे। लेकिन फिलहाल जो बिल्कुल मनीष, जो भ्रष्टाचारी उनमें निश्चित तौर पर हड़कंप मचा होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पिता ने बेटे पर तलवार से हमला किया, घायल बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिता और बेटे में बताया जा रहा है कि आपसी विवाद हुआ और इसके बाद पिता ने बेटे पर हमला कर दिया। आरोपी पिता को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अर्थुना थाना इलाके की यह घटना है। तो रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर। भवर सिंह चौहान उम्र 70 साल ने अपने घरेलू झगड़ों की परेशानी से परेशान होकर के अपने बेटे नरेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 34 साल है, रात को तलवार से उसकी गर्दन काट करके उसकी हत्या कर दी है। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके नियमानुसार किया जा रहा है। वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पानी की डिग्गी में डूबने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। सतासर गांव में खेत में बनी डिग्गी में दोनों डूब गए। पुत्र को बचाने के लिए पिता, बताया जा रहा है कि कूदा और दोनों की मौत हो गई। ट्रैक्टर सहित पूरा जो पिता और पुत्र थे, दोनों डिग्गी में उतर गए और इसके वजह से दोनों की मौत हो गई। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस बदमाश मुठभेड़ मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, आरोपी रनिया की झाडोल कोर्ट में पेशी की गई। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड अवधि में पुलिस से लूटे हथियार की बरामदगी की कोशिश की जाएगी, तो अन्य फरार आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। मांडवा थाना पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू की थी, और बताया जा रहा है कि मांडवा पुलिस थाना के पुलिस वालों पर हमला किया गया था। और इस मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन के लिए रिमांड पर सौंपा गया है। कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और गोविंद सिंह डोटासरा का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा पर गोविंद सिंह डोटासरा बरसते हुए नजर आए। भाजपा अपराधियों को संरक्षण देती है, डोटासरा की ओर से यह बयान सामने। उन्होंने कहा है कि कभी भी दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती बीजेपी,
और इसके साथ ही ये भी कहा है कि एक भी भाजपा नेता के खिलाफ ईडी ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। तो ये बड़ा विचित्र जो है वो माहौल पूरे देश में बना हुआ है। इनको किसी की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, और न ही इनको बेरोजगारों की चिंता है। कहाँ है नौकरियां? हम तो L2 का भी रिजल्ट निकाल रहे हैं, L1 का भी निकाला है, SI की भर्ती कर रहे हैं, SI का रिजल्ट निकल गया है, RS का निकल गया है। आप बताइए आपने किया क्या? कितनी बैंकों में नौकरियां निकाली, कितनी आपने रेलवे में निकाली, कितनी आपने केंद्रीय जो SSC की कितनी वैकेंसी निकाली, आपने कितनी भर्तियां दे दी, उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। आप यहां आकर के और कांग्रेस को कोस करके चले जाओगे, इससे बात बनने वाली नहीं है। 9 साल बहुत होते हैं साहब, 9 साल। 14-14 मंत्री कोरोना के बाद में जो हटाए गए थे वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके ऊपर किसी तरीके के कोई कार्रवाई नहीं। एक भी बीजेपी के नेता के ऊपर या बीजेपी के मुख्यमंत्री या मंत्री के ऊपर ईडी की रेड बता दो। इनके जितने केसेस दर्ज हैं ईडी में, इनकम टैक्स में, उनके ऊपर कोई इनकी कार्रवाई बता दो। तो वहीं प्रदेश में आज बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात ने कल सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए थे। भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यहां बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान प्रशिक्षु RPS मेगा गोयल ने लोगों से यातायात नियमों की पालना करने की अपील भी की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात जयपुर के निर्देशानुसार आज सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए हेलमेट लागू किया गया है। सुबह 9 बजे से जो लोग बिना हेलमेट के घरों से बाहर निकल रहे उनके चालान काटे जा रहे हैं। हम खड़े हैं सिटी कोतवाली के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। जो हेलमेट नहीं पहन के आ रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनसे समझाइश भी की जा रही है। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, सड़क दुर्घटना में हेलमेट ही आपकी जान को बचाएगा। सर पे जो चोट लगती है गंभीर रूप से, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, उससे हेलमेट आपको सुरक्षित रखता है। हमारे साथ ये जो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं RPS मेगा गोयल, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है, क्या निर्देश मिले हैं आगे से? हमें पुलिस हेडक्वार्टर से निर्देश मिले हैं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 1 दिवसीय सघन और विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमने कोतवाली थाने में 2 जगह नाकाबंदी की है और आप देख रहे हैं कि लगातार चालान किए जा रहे हैं। तो इससे यही आशा है कि लोगों में जागरूकता आएगी और वो हेलमेट लगाएंगे और इससे उनके जीवन की भी सुरक्षा रहेगी। मैम, बहुत ही अच्छी बात है, 1 दिन के लिए कार्यक्रम चलाया गया है, पर मैम 1 दिन के लिए क्यों? क्या जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाने चाहिए जिसमें लोगों में जागरूकता फैले, वो हेलमेट पहने? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। 1 दिवसीय कार्यक्रम केवल हम लोगों में जागरूकता के माध्यम से इसको अच्छा मान सकते हैं। बाकी ज़िले पर, और मैं तो कहती हूँ कि थाना स्तर पे भी ये अभियान लगातार चलाए जाते रहने चाहिए, और अभियान के अलावा हमें लोगों में मीटिंग के जरिए और अन्य तरीकों से भी जागरूकता का प्रसार करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों की ही भलाई है। अल्टीमेटली पुलिस का भी सहयोग होगा और लोगों की भी जीवन की सुरक्षा होगी। वीडियो संकुल सनाटे के साथ राहुल कौशिक, News 18 भिलवाड़ा। तो हेलमेट को लेकर पुलिस का अभियान जारी है, हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। भीलवाड़ा, धौलपुर, अलवर और डूंगरपुर से अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसों में हो रही मौतों पर लगाम लगाने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। और यही वजह है कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहां पर जो वाहन चालक बिना हेलमेट के नजर आएंगे उनके चालान काटे जाएंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे। विश्व साइकिल दिवस पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली शहीद स्मारक से रोडवेज बस स्टैंड, शहीद कर्नल JP जानू स्कूल होते हुए गांधी चौक पहुंची। साइकिल रैली में चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों सहित शहर के लोगों ने भाग लेकर आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम के तहत विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। साइकिल से स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करने को लेकर जागरूकता के तहत रैली निकाली गई और दिन में 45 मिनट तक साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिनचर्या में भी बदलाव हो जाता है।
साइकिल रैली यहाँ शहीद स्मारक से लेकर गांधी चौक तक जाएगी और पुनः यहाँ पर आकर के रुकेगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो डायबिटीज हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक रहने के लिए और साइकिल से हेल्थ के प्रति एक्सरसाइज, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करने के लिए एक सप्ताह कम से कम 5 दिन तक 45 मिनट्स तक जो एक्सरसाइज की जाएगी उससे हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आएगा और हेल्थ सुरक्षित रहेगा उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम। तो वहीं कोटा ग्रामीण के रेलगांव इलाके में 9 वर्षीय बेटी का दर्द एक मां सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या की कोशिश की। मासूम बेटी की दोनों किडनी खराब बताई गई और इसी के तनाव में चलते मां ने अज्ञात विषाक्त का सेवन कर लिया। पीड़िता चांदनी बाई ने कहा कि उनकी एक मात्र 9 वर्षीय बेटी की दोनों किडनी खराब है और अब डॉक्टर्स भी 12 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं। खेती बाड़ी करने वाले उनके पति के पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए वो मानसिक तनाव में है। महिला के पति ने कहा कि बेटी के इलाज के लिए काफी प्रयास किए लेकिन फिलहाल वो ठीक नहीं हो पाई। महिला ने राधेश्याम के साथ दूसरी शादी की है और ये बालिका पहले पति की है। महिला का MBS अस्पताल में इलाज जारी है। 9 साल की जिया जे 12 सब डॉक्टर ने कहा 12 लाख रुपया लगेगा। कहते हैं कि 12 लाख रुपया कहां दियो, पर एक बार के दे कार्ड में दे को जगदार के नहीं नंबर लगा दे 12 लाख रुपया लगेगा। कहते हैं बच्ची की तबीयत खराब रहती थी, दोनों किडनी खराब थी, गरीब रेखा के होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पाया। लोगों ने बताया कि 14 लाख लगेंगे, 15 लाख लगेंगे, इसलिए उसकी मम्मी ने ये कदम उठाया। क्या किया मम्मी? कोई पॉइजन खा लिया। कितने साल की बच्ची? बच्ची 9 साल करीब की है। क्या दिक्कत है उसका? दोनों किडनी खराब है। आपने इलाज किया? आपने इलाज किया? हाँ, मैंने इलाज करवाया, जेके लोन में भी करवाया। अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा से खबर है, प्रतापनगर इलाके में उद्योग केंद्र के सहायक प्रशासनिक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर गए सहायक प्रशासनिक अधिकारी अचेत अवस्था में मिले और 2 युवक उनको बाइक पर बैठाकर घर के बाहर छोड़कर चले गए। अधिकारी के शरीर पर कई जगह पर जलने के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या की आशंका जताई है। मृतक 53 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह रजावत प्रतापनगर तृतीय में रहते थे और जिला उद्योग केंद्र में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात थे। 2 युवकों द्वारा अचेत अवस्था में अधिकारी को घर पर छोड़ने के दौरान की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। अज्ञात 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और अधिकारी को अचेत अवस्था में घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है और उनसे पूछा सासू जी ने कि भाई कैसे कहां से लेके आ रहे हो, तो वो बोले कि इनको इंद्रजीत का कोई ठेका है, वहाँ से लेके आए और उनके शरीर पे फफोलों के निशान थे। तो उनसे बोला कि ये फफोले कैसे हुए, तो बोले बाइक पे लेके आए तो साइलेंसर से हो गए होंगे। उनके पूरे शरीर पे फफोलों के निशान थे, जले हुए के निशान थे। पूरे मोहल्ले वालों ने उनसे पूछताछ की तो वो भाग गए। तो उन्होंने MBS में रिपोर्ट दी कि मेरे ससुर पुष्पेंद्र सिंह जी जो प्रताप नगर में रहते हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक के निकले थे, घर पर नहीं आए, दिन में 3 बजे करीब उनके घर पर उनके सास ने बताया कि उनके पति को यहाँ पर कोई 2 आदमी डाल गए जो जले हुए, उनके घाव करीब है। उस पर हम MBS आए तो प्रतीक सिंह द्वारा रिपोर्ट दिए, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। आगामी चुनाव में अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत देश भर में अल्पसंख्यकों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे ने इसके लिए राजस्थान के हुसैन खान को राष्ट्रीय प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से सबसे पहले प्रदेश, जिला और फिर मंडल स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा, जिसके बाद सूफी संवाद, अल्पसंख्यक प्रबुद्ध जन सम्मेलन, पसमांदा सम्मेलन और महिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे भारतवर्ष में टीमें गठन करना है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम स्टेट वाइज, जिले वाइज और मंडल वाइज टीमों का गठन कर रहे हैं, जिसमें स्टेट वाइज 1 संयोजक 4 सह संयोजक होंगे, जिलों के अंदर में भी 1 संयोजक 4 सह संयोजक होंगे और इसी तरीके से मंडल और हम बूथ स्तर तक जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल